Nozzle. So today we will start the chapter of nozzle. What is nozzle? You all know about the nozzle device. So nozzle is a device varying cross-sectional area device, varying cross-sectional area device which accelerates the fluid, means increase the velocity of fluid by expense of its enthalpy drop. तो वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एक शेप बना दिया हमने, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया शेप, ये एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कन्वर्जिंग शेप है. सपोज यहाँ पे फ्लूड की वेलोसिटी, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, दिस इज C1, दिस इज C2, प्रेशर इज P1, एंथैल्पी इज H1, इंटरनल एनर्जी U1, प्रेशर इज P2, इंटरनल एनर्जी इज U2, एंथैल्पी इज U2. So it will increase the velocity of fluid by the expense of its enthalpy. Means अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सो दिस विल H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 इन द एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, सो दिस इज इक्वल टू, सो C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2. सो दिस C2 इज ग्रेटर देन C1 ड्यू टू दिस एंथैल्पी ड्रॉप. मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट इट डिक्रीज द एंथैल्पी. एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और आपका प्रेशर भी, क्योंकि एच में दो चीज आते हैं, यू प्लस पीवी. एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है मीन्स इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है आपकी, प्रेशर एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है. तो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करके ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है. ठीक है, सो दिस इज ए नोजल, बेसिक इक्वेशन ऑफ नोजल. तो ये तो कन्वर्जिंग नोजल हो गया जिसमें एरिया डिक्रीज हो रहा है. सिमिलरली डाइवर्जिंग टाइप ऑफ नोजल भी होता है. ये आपका डाइवर्जिंग नोजल है, डाइवर्जिंग नोजल, डाइवर्ट हो रहा है एरिया, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग नोजल, यह डाइवर्जिंग नोजल. अभी हमने यहाँ भी जो भी फ्लूड फ्लो रहा है, सिंपल फ्लूड बोला है, फ्लूड में भी इनकम्प्रेसिबल आर कंप्रेसिबल. तो हम बाद में देखेंगे इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल का भी, कोई भी फ्लूड ले लेते हैं. अगर यहाँ भी C2 ये C1 है, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 देन इट इज ऑल डाइवर्जिंग नोजल. एक और नोजल है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, इसको बोलते हैं सी डी नोजल या डी लेवल. एक साइंटिस्ट है, डी लेवल नोजल द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब फिर पहले कन्वर्ज होगा फिर डाइवर्ज होगा, तो ये आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है. ये इनलेट है, ये आपका एग्जिट है, ये C1 है, ये C2 है. अगेन इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है. दिस मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड
थ्रोट। इस मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम थ्रोट बोलते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो दिस इज ए थ्रोट। हियर ऑल्सो वेलोसिटी इज हायर देन सी टू, इज हायर देन सी वन, सो दिस इज ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। एक डिवाइस और है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर। इट इज ऑल्सो ए वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइस बट इट डी एक्सिलरेट द फ्लूइड बाय द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया पैसेज है, बट इट डी एक्सिलरेट द फ्लूइड, ये वेलोसिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी मीन्स इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर बाय द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये एक डिवाइस है, this is C1, this is C2, here C2 is less than C1, here P1, here P2, P2 is greater than P1, तो यहाँ पे P2 increase हो रहा है by the expense of decrease in velocity. This nozzle is called diverging, this diffuser is called diverging diffuser. एक और diffuser होता है, this is called converging diffuser. अभी हमने यहाँ पे fluid नहीं बोला है, compressible है incompressible, हम general discuss कर रहे हैं। This is C1, P1, this is C2, P2. Now P2 is greater than P1. Yeah, simple converging diverging diffuser again. ये सारा हीट ट्रांसफर आइसेंट्रोपिक फ्लो एज्यूम करते हैं, वन डायमेंशन के लिए एडियाबेटिक डक्ट हम इसको बना रहे हैं। C1, P1, C2, P2. Here again C2 is less than C1, P2 is greater than P1. सो दिस इज ए डिफ्यूजर। तो देख सकते हैं कि यही डिवाइस जो है ये कन्वर्जिंग पैसेज है, यही एक बार वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको नोजल बोल रहे हैं। सेम डिवाइस है यहाँ पे बट ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड के बारे में अभी कोई चर्चा हमने की है कि फ्लूइड जो हम ले रहे हैं कंप्रेसिबल ले रहे हैं या इनकम्प्रेसिबल ले रहे हैं। सिंपल बोल रहे हैं कि अगर हमारा एग्जिट कंडीशन की वेलोसिटी ज़्यादा है इनलेट से देन इट इज़ ए नोजल, इफ द एग्जिट प्रेशर इज ग्रेटर देन इनलेट प्रेशर देन इट इज़ ए डिफ्यूजर। ठीक है, तो ये है, तो ये जो भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ये तो सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करेगा, मास कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बेस पे ही जो भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंथैल्पी जो भी हो ये तीनों मास मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि सेम डक्ट में एक्ट एज ए नोजल और डिफ्यूजर डिपेंडिंग
अपॉन द एंड कंडीशन। मतलब ये कन्वर्जिंग पैसेज दिस विल ऑल्सो एक्ट एज ए नोजल इफ सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। दिस पैसेज सेम पैसेज ऑल्सो एक्ट एज ए डिफ्यूजर इफ पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। एक ही डिवाइस नोजल की तरह बिहेव कर सकता है और डिफ्यूजर की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये जो चीज है इसको इसको क्लैरिफाई करेंगे हम आगे जाके कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज करो ये हमारा एक कन्वर्जिंग नोजल है, कन्वर्जिंग पैसेज है, नोजल नहीं कन्वर्जिंग पैसेज है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी सी वन है, एरिया ए वन है और प्रेशर पी वन है। यहाँ पे वेलोसिटी सी टू है, एरिया ए टू है, प्रेशर पी टू है। यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं मास कंजर्वेशन इस डिवाइस में, वन डायमेंशनल फ्लो एज्यूम करते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो एज्यूम करते हैं हम लोग इसको वन डायमेंशनल। तो यहाँ पे लिखोगे रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। अब हम यहाँ पे फ्लूइड का क्राइटेरिया लगा, सपोज द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इन कंप्रेसिबल, देन रो वन इज इक्वल टू रो टू। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ आ जाएगा ए वन सी वन ए टू सी टू। तो इस इक्वेशन से अगर आप सिंपल, आप लोग बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स जानते हो, एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा। सो फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो नोट करके लिखते हैं, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो कन्वर्जिंग पैसेज एक्ट एज ए नोजल एंड डाइवर्जिंग पैसेज एक्ट एज ए डिफ्यूजर, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए सपोज करो ये हमारा डाइवर्जिंग डक्ट है, ये हमारा इनलेट है, ये हमारा एक्सिट, ये है रो वन ए वन सी वन, यहाँ पे रो टू ए टू सी टू। अब यहाँ पे हम मास कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। यहाँ पे रो वन इज नॉट इक्वल टू रो टू, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो डेंसिटी भी एक पैरामीटर है ना, डेंसिटी भी एक फैक्टर। मान लेते हैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, रो टू इज वेरी वेरी लेस देन रो वन, बहुत ज़्यादा डेंसिटी डिक्रीज हो गया, तो इस डेंसिटी डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए एरिया के साथ साथ सी टू को भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज इन डेंसिटी इज वेरी लार्ज एंड टू कंपनसेट दिस वेलोसिटी हैज टू इंक्रीज। मतलब इन कंप्रेसिबल फ्लो में तीन पैरामीटर आते हैं, रो टू ए टू सी टू। यहां पर एरिया भले ही बढ़ रहा है, एरिया बढ़े पे सी टू को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको डेंसिटी भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने सराउंडिंग प्रेशर इतना ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, बैक प्रेशर को इतना ज़्यादा डिक्रीज कर दिया कि हमारा रो टू भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया,
डिक्रीज हो गया, रोटो डेंसिटी इतना ज़्यादा कम हो गया कि इस डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए मुझे एरिया के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ाना पड़ा, तभी मास कंजर्वेशन को फुलफिल करेगा। मीन्स चाहे डिवाइस कुछ भी हो, नोजल हो, मास कंजर्वेशन को फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो मास कंजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए हमारा वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डाइवर्जिंग पैसेज ही ऐसे आपके लिए नोजल की काम करेगा, ये नोजल की तरह ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ नोजल के बारे में, कन्वर्जिंग नोजल, डाइवर्जिंग नोजल और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। और इसमें हमने ये देखा कि एक डक्ट, चाहे वो कन्वर्जिंग पैसेज डक्ट हो या डाइवर्जिंग पैसेज डक्ट हो या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज डक्ट हो, वो नोजल की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिफ्यूजर की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशन। मीन्स वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा फ्लो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। तो बेसिकली हम एंड कंडीशन को देखेंगे, एंड कंडीशन को चेक करेंगे कि भाई अगर एंड कंडीशन में वेलोसिटी ज़्यादा है इनलेट से, इट मीन्स इट इज़ ए नोजल, और अगर प्रेशर ज़्यादा है और स्मूथ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है सो वो डिफ्यूज़र है। तो ये हो गया नोजल के बारे में, ख़त्म।